मैं तो योगा को रोज़ सेलिब्रेट करती हूँ। ये आप जैसे लोगों के लिए है इंटरनेशनल योगा डे। जो अहमियत नहीं देते योगा को, अपने हेल्थ को अहमियत नहीं देते, उन लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस या जागरूकता बढ़ाने के लिए मोदी साहब ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने का। योग एक ऐसा विज्ञान है जो बहुत ही लाभदायक है। इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं मैं पर्सोनिफाइड होकर दिखा रही हूँ आपको। तो आई रियली फील दैट एवरीवन शुड अवेल ऑफ इट। और सिर्फ योगा इंटरनेशनल योगा डे पे ही नहीं, बल्कि योग को अपनाएं अपने व्यक्तिगत जीवन में और इसके बेनिफिट्स पाएं। पता नहीं किसी मैसेज के लिए मैंने इस ऐप को तैयार नहीं किया। मैंने इस ऐप को इसीलिए तैयार किया उन लोगों के लिए जो सही दिशा शायद जिनको पता नहीं है कि किस दिशा में जाना चाहते हैं। यू नो दे आर कन्फ्यूज्ड अबाउट हेल्थ, अबाउट फिटनेस। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। लोग समझते हैं कि योगा करने के लिए यू हैव टू बी रियली रियली फ्लेक्सिबल। ये सारी जो गलत फहमियाँ हैं उसे दूर करने के लिए और इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट इन लाइफ। और ख़ास तौर पे उन लेडीज़ के लिए जो प्रेगनेंसी के बाद इनसिक्योर हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस खोते हैं, उस नज़रिए से मैंने इस ऐप को पूरा तैयार किया। टॉकिंग अबाउट योगा, फिटनेस, हेल्थ, ऑल एनकम्पसिंग। तो आई दैट्स द रीज़न आई स्टार्टेड द ऐप। आप जानते हैं हमारी ज़िंदगी कैसी है, बहुत इरेटिक है और टाइमिंग्स बहुत अजीब से होते हैं। हम लोग देर रात सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। बच्चा भी है मेरा वो सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। सो इट्स क्वाइट मैडनिंग। लेकिन एकांत में जब मुझे टाइम मिलता है, मेडिटेशन जब मैं करती हूँ 15 मिनट डेली, रात को जब मैं अनवाइंड करती हूँ, तो मैं टीवी ज़्यादा देखती नहीं हूँ ऑनेस्टली। तो वो टाइम जो मैं पहले टीवी में ज़ाया करती थी, वो टाइम मैं थोड़ा सा मेडिटेशन पे, प्राणायाम पे डालती हूँ 15 मिनट दिन के। और जब वक्त होता है हफ्ते में एटलीस्ट 3 से 4 बार मैं आसन करती हूँ। तो सूर्य नमस्कार, जो दूसरे कॉम्प्लिकेटेड, अभी मैं एडवांस योगा सीख रही हूँ और जारी है सीखना। एब्स एब बिना एब के एब्स तो ये योगा से भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि यू हैव टू वेट ट्रेन ओनली। मैं अलग अलग चीज़ों के बारे में सीखना चाहती हूँ, मेरी रुचि है हेल्थ और फिटनेस को लेकर। तो ऐप के लिए भी आई नीड टू कीप अब्रेस्ट ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ न्यू इन द मार्केट। लेकिन योग एक ऐसा साइंस है जो टाइमलेस है, टाइमलेस रहेगा। तो आई फील रियली फॉर्चुनेट दैट आई बिलोंग टू अ कंट्री दैट ओन्स योगा, यू नो वेर इट कम्स फ्रॉम। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और इसीलिए मैं और लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि बहुत सारे फैड्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो योग का साइंस है, और बहुत सारे क्या बोलते हैं टाइप्स ऑफ योगास भी आए हैं मार्केट में, बट जो ओल्ड है ना वो गोल्डी है। तो आई प्रैक्टिस अष्टांग योगा और डायनामिक तरीके भी आए हैं, यू कैन इंक्लूड दैट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ इट। लेकिन योग करिए ज़रूर। बट योग में सबसे इम्पोर्टेंट डाइट होता है, तो जो नॉर्मल जो ऐप देखते हैं उनके लिए डाइट के लिए क्या पूछ सकते? तो इसीलिए डाइट का एक पूरा सेक्शन है मेरे ऐप में। तो न्यूट्रिशन की बहुत अहमियत है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानकारी लोगों तक पहुंचाना कि सिर्फ योगा या सिर्फ पिलाटेज या सिर्फ वेट ट्रेनिंग से आप बॉडी बना सकते हैं। इट्स 30% एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड 70% योर न्यूट्रिशन। आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना चबा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप सामान खरीद रहे हैं सुपरमार्केट्स में, तो प्लीज़ लेबल रीड करें, पीछे देखिए कि क्या है उसमें। तो ये न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस होना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ टाइम एंड एज जहाँ पे हर चीज़ में मिलावट है। एंड आई रियली फील इट्स अ टेरेबल टाइम। अगर मेरा बस चलता तो मैं थोड़ा सा रिवाइंड करती अपनी ज़िंदगी को, या मैं उस दौर में चले जाना चाहती हूँ जहाँ पे
लोग जैसे जीते थे 50 या 70 साल पहले. सिंपल, इट वॉज़ अ वेरी सिंपल लाइफ. अब जंक फूड, एरेटेड ड्रिंक्स, हमें तो कभी चॉइस ही नहीं दिया गया था बचपन में कि हम एरेटेड ड्रिंक ऑर्डर करें. हमारे पेरेंट्स ने कभी चॉइस दिया नहीं, शायद हम अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे इतना. बट टुडे आई फील इट्स बिकम एस्पिरेशनल. जब बच्चा स्कूल में अच्छे मार्क्स लेकर आता है तो मम्मी पापा कहते हैं चलो लेट्स गिव यू अ बर्गर. इट्स टेरेबल. तो ये जो कल्चर है, जो हमारा इंडियन कल्चर है, इट शुडंट बी प्रमोटिंग दैट फॉर किड्स. और ये सबसे हानिकारक है हमारे बच्चे, हमारे फ्यूचर जनरेशन के हेल्थ के लिए. इट्स चेंज नॉट जस्ट माई लाइफ, इट्स चेंज माई बॉडी, माई माइंड, माई परस्पेक्टिव ऑन थिंग्स. एंड इट्स चेंज मी एज अ पर्सन फॉर द बेटर. एंड इट्स ऑल्सो चेंज द वे आई लुक, यू नो, इन टर्म्स ऑफ एज, विच इज़ ऑनेस्टली जस्ट अ पर्क. बट इंटरनली वॉट इट डज टू यू इज इट चेंजेस द वे यू परसीव थिंग्स एंड इट मेक्स यू मच कामर. So, I'm very grateful to this science, to the people who introduced it to me, and yeah, and to Modi ji for actually encouraging people to do yoga. Bhayankar bachche hain, durandar bachche hain, aur mujhe bahut khushi hoti hai jab main us set pe jaati hu. Mujhe aisa lagta hai main kaam nahi kar rahi hu, main actually enjoyment ke liye aayi hu. And it's so entertaining, it's so refreshing. It's a show that has soul. और ये जो बच्चे हैं जो करते हैं, जो कर्तव्य करते हैं, वो आम लोगों की बस की बात नहीं है. तो दे रियली आर ब्लेस्ड एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड इन देयर कंपनी. रुपसा इज अनबिलीवेबल. और सक्षम इस साल बहुत छोटे उम्र के बच्चे आए हैं हमारे शो पे. And they're doing exceptionally well. Honestly, as judges, जब हमने select किया उनको, हमने सोचा कि चलो 10 select करने, 12 select करने, ये दो निकल जाएंगे, cute हैं, sweet हैं. हमने सोचा भी नहीं था कि इतने इस पड़ाव तक वो last कर पाएंगे. और इस पड़ाव तक, ये आखिरी पड़ाव तक नहीं, बल्कि इन दोनों में से कोई भी शो जीत भी सकता है. तेजस, they're amazing, they're so talented. Thank you guys. ये दूसरी शिल्पा शेट्टी. इंट्रोड्यूसिंग शिल्पा शेट्टी विद अ दाढ़ी, आमिर. या अब जाके मैं पढ़ रही हूँ, 5 स्क्रिप्ट्स हैं मेरे टेबल पे. तो अब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि मैं तैयार हूँ वापस आने के लिए. सो या आई एम रीडिंग अ कपल ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स. तो डेफिनेटली बिग स्क्रीन एंड OTT, आई एम लुकिंग एट बोथ. या अभी सब कुछ आज ही मैं इसी दिन पे सब खुलासा कर दूं, फिर वापस आप आओगे नहीं? ये स्क्रिप्ट पे निर्भर होता है ना. मैंने कहा 5 है, 5 अलग अलग स्क्रिप्ट है मेरे पास. मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं किस कौन से स्क्रिप्ट के साथ वापस आऊंगी फिल्म इंडस्ट्री में. आई रियली डोंट नो. I don't know what to say to people like that. ये लोग कभी तरक्की कर नहीं पाएंगे अपनी ज़िंदगी में. जो माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, जो वो जो ऋण है वो हम कभी चुका ही नहीं सकते. बच्चे, द फैक्ट दैट दे ब्रॉट अस इनटू द वर्ल्ड, हमारी परवरिश उन्होंने की है, कितने सैक्रिफाइसेस करते हैं हमारे लिए, उसके बावजूद अगर लोग उसे अप्रिशिएट नहीं करते. टू जस्ट हैव पेरेंट्स इज सच अ ब्लेसिंग. So, we need to backtrack, guys, and we need to start valuing the people we have in our lives. But International Yoga Day pe itna kahungi ki you want to stay young, do yoga. Thank you, guys. Bye bye.